हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज़िंदगी अनलिमिटेड। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया मस्कीटो नेट। ये 1000 रुपीज़ से भी कम में आ जाएगा और हम खुद इंस्टॉल कर सकते हैं घर पे। और पहले हम मेजरमेंट्स देखेंगे। मेजर करते हुए इसको ना टेप को हम लोग एज में लगाना है, एकदम एज में, और इस तरफ का जो एज है एज तक मेजर करना है। ठीक है, तो लेफ्ट एज से लेके राइट साइड एज तक लेके आना है और मेजरमेंट देखना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैं पर्टिकुलरली दिखा रही हूँ। लेफ़्ट एज से लेके राइट एज तक लेना है और ये मेजरमेंट को 2.5 प्लस 2.5 5 सेंटीमीटर्स ऐड करना है। तो हमारा मेजरमेंट जो है वो सेंटीमीटर्स में लेना है। तो वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता लगेगा कि क्यों ये 2.5 सेंटीमीटर्स ऐड करना है। अभी जो लेंथ का भी मेजरमेंट लेना है वो भी एज से ही स्टार्ट करना है, वॉल से नहीं। सो टॉप वाले एज से लेके बॉटम में जहाँ पे फ्लोर होगा वहाँ तक लेना है। और यहाँ पे भी कंप्लीट मेजरमेंट लेने के बाद 2.5 सेंटीमीटर्स उसको ऐड करना है। अभी हमारे पास मेजरमेंट है तो हम अब जाके ऑर्डर कर सकते हैं, इधर अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से। मैंने ऑर्डर किया अमेज़ॉन से तो ये वाला बॉक्स आया। और मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से सेम प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। और कूपन कोड भी मैं आपको दे दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए। और मैंने ऑर्डर किया 800 प्लस में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज होते रहेंगे। ऐसे नहीं बोलना कि अभी मुझे 800 में मिला तो आपको 6 मंथ्स के बाद भी इसी प्राइस में मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये वाला प्रोडक्ट मुझे मिला, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेश कर्टन। इसको इंस्टॉल करने के लिए किसी भी टेक्नीशियन को घर पे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद कर सकते हैं। मच्छर तो वैसे भी नहीं आएंगे और मक्खी और लिजर्ड्स ये सब भी अंदर नहीं आएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं बोल पा रही हूँ कि ये काफ़ी अच्छा है। आपको इंस्टॉल करने के बाद में, यूज़ करने के बाद में आपको पता चलेगा। और ये रेंटेड हाउसेस के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम लोग रेंटेड हाउसेस पे ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग मूव आउट करते रहते हैं। तो ये बिलो 1000 में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो इसके साथ एक अच्छा सा बुकलेट मिलेगा और छोटे छोटे नेल्स मिलेंगे। मैं दिखाऊंगी आपको ये सारे कैसे यूज़ होते हैं। बुकलेट में आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, स्टेप बाई स्टेप होगा डेमोन्स्ट्रेशन कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, मैं अभी दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही ईजी है, कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। ये प्रोडक्ट इंस्टॉल करने के लिए एक भी नेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ओनर से भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये DIY प्रोडक्ट है, इसके साथ वेलक्रो का टेप भी आएगा, मैं दिखा दूंगी इसको कैसे यूज़ करना है। और कुछ पुश पिंस भी आएंगे, वो ऑप्शनल है, अगर चाहे तो हम लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पर मेजरमेंट लेना, प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो रिटन डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगी कि कैसे मेजर करना है। अभी हम चलते हैं और देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। पहले तो ये जो बुकलेट है वो आपके पास रख लीजिए, ओपन करके रखिए। स्टेप बाय स्टेप इसमें दिया गया है, नंबर 1, 2, 3 ऐसे सेम टू सेम अगर हम फॉलो करेंगे तो बस एक 20-30 मिनट्स में पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। पहले तो एक गीला कपड़ा लेना है, गीला कपड़ा लेके उससे पानी सब निकाल के ना जहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छा पोंछना है, क्योंकि अगर डस्ट वगैरह है तो ये चिपकने के जो चीज़ें रहते हैं जैसे वेलक्रो टेप, ये अच्छे से नहीं चिपकेंगे। तो इस वजह से पहले इसको अच्छे से पोंछना है, फिर इसको थोड़ी देर सुखाना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है। जैसे जैसे वो सूखता रहेगा हम लोग एक और स्टेप कर लेते हैं। हमें एक मिड पॉइंट को मार्क कर लेना है। तो मिड पॉइंट पे जो है वहाँ पे हमारा कर्टन आएगा, कर्टन का ओपनिंग आएगा, इस वजह से मिड पॉइंट को हम लोग चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे मिड पॉइंट तो हमें वैसे ही पता चलेगा, बट फिर भी पेन से एक बार मार्क करना है ताकि इंस्टॉलेशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि अगर हम लोग गलत इंस्टॉल करें तो बार बार बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि मैं इंस्टॉल कर रही हूँ हमारे किचन के डोर पे, तो मैं बार बार इससे निकलने वाली हूँ, बार बार इधर उधर चलने वाली हूँ, तो आई वॉन्ट दिस टू बी परफेक्ट। सो मिड पॉइंट ढूंढ के वहाँ पे परफेक्टली मार्क करना है। मैं तो ऐसे ही ब्लाइंडली इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही थी, पर फाइनली बहुत अच्छा आउटकम निकला।
ये जो चीज़ें होते हैं ना, मेजर करना और मेजरमेंट्स लेना, इंस्टॉल करना या फर्नीचर असेंबल करना, ये सारे जो चीज़ें हैं सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, एक अच्छी सी फीलिंग आती है जब हम लोग खुद कुछ इंस्टॉल करते हो। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये वीडियो शूट करते हुए। तो फाइनली हमें मिड पॉइंट मिल गया और हम लोग मार्क कर दिए। और अभी हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ये मस्किटो जो नेट है उसको नीचे बिछा देंगे। थर्ड स्टेप यही है जैसे आपको दिख रहा है अभी वीडियो में। तो इसको पूरा नीचे बिछाने के बाद इस पर वेलक्रो टेप लगाना है। तो वह कैसे लगाने मैं तो आपको दिखाऊंगी। ये पूरा शूट चल रहा है मेरे किचन में और हमारे चैनल में मेरे किचन टूर का एक वीडियो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लास्ट में मैं पिन कर दूंगी, ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे है वैसे तो मैं ब्लाइंडली फॉलो कर रही हूँ, मैंने खुद कुछ भी चेंजेस नहीं किए। तो अभी मैं बिछा रही हूँ नीचे। जब भी आप नीचे ऐसे बिछाओगे ना तो विदाउट एनी रिंकल्स अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो फर्स्ट इंस्टॉलेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ भी अगर हम लोग मिस्टेक करें तो उसको रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अभी मैं इसको बिछा रही हूँ, उसके बाद जो वेलक्रो टेप है वो लगाऊंगी। मेरे दिल में ये चल रहा था कि ये वेलक्रो टेप अगर काफ़ी नहीं हुआ तो क्या होगा, इसलिए हमें क्या करना है, विदाउट एनी रिंकल्स इसको लगाना है और टेप भी ना टाइट से चिपकाना है, बीच बीच में गैप्स नहीं आना है। तो एयर बबल्स आ गए, गैप भी आ गया, तो ये भी होगा कि अच्छे से नहीं चिपकेगा और वेलक्रो टेप भी हमें काफ़ी नहीं होगा। तो ये वाला टेप दिया है, सो आई वॉज होपिंग कि ये काफ़ी हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर अच्छा हुआ था और टेप बच भी गया था, परफेक्टली आया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो टेप में क्या होता है, एक साइड वाइट कलर का ऐसे चिपका के आता है ऑब्वियसली टू स्टिक, तो वाइट कलर वाला पार्ट है वो ऊपर आना चाहिए और अच्छे से टाइट से चिपकाना चाहिए। बस इस तरह लगाते जाओ, बस लास्ट तक ऐसे ही लगाते जाना है और एडजस्ट में कट करते रहना है। अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि 2.5 सेंटीमीटर हमने क्यों ऐड किया दोनों तरफ, ताकि ये वेलक्रो स्ट्रिप हम लोग लगा सके। आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, हमारे चैनल को एक रीजनल पेज भी है, जिंदगी अनलिमिटेड तेलुगु व्लॉग्स। तो अगर आपने वो चैनल को फॉलो नहीं किया तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छे शॉपिंग व्लॉग्स मिल जाएंगे। आपको ये पता चलेगा घर बैठे ही कि कहाँ जाके क्या क्या चीज़ हम खरीद सकते हैं, ऑनलाइन में कैसे मंगा सकते हैं, कहाँ पे बहुत ही अच्छे चीप एंड बेस्ट आइटम्स मिलेंगे, या चाहे घर के हो या फिर गिफ्ट्स के लिए या रिटर्न गिफ्ट्स के लिए या हमारे घर के इंटीरियर्स के लिए, बहुत अच्छे वीडियोस आएंगे, इसमें भी आएंगे। अगर आप तेलुगु में देखना चाहते हैं तो वो चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो। अब चारों तरफ टेप लग गया, ये जो वाइट वाला पेपर है इसको धीरे से निकालना है। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वाइट कलर पेपर है ग्लू को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये अभी हम निकालेंगे और इमीडिएटली हम ये जो कर्टन है इसको चिपका देंगे। ये कर्टन का ब्रांड है लाइफ क्राफ्ट। लाइफ क्राफ्ट वेबसाइट में आप जाके देखिए, आपको बहुत सारे होम डेकोर आइटम्स भी मिल जाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग आइटम्स मिल जाएंगे, ये मस्किटो नेट्स मिल जाएंगे हर तरह के, और काफ़ी और चीज़ें भी मिल जाएंगे। एक बार जाके वेबसाइट चेक कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगी। जैसे ये लास्ट वाला स्टेप ख़त्म हो गया, चारों तरफ से ये वाइट वाला पेपर निकल गया, अभी आपको बिना डिले किए हुए इसको चिपकाना है। तो पहले तो मैं एक बार बुकलेट देख लूँगी ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहती। तो अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो चिपकाने का है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा मिड पॉइंट हमने क्यों मार्क किया। तो मिड पॉइंट पे एग्जैक्टली जो कर्टन का स्लिट आता है मिड पॉइंट पे लगाना है, और थोड़े से ना ऊपर लगाना है इसको। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे लगाना है। अभी जो वाइट पेपर निकल गया, इसका चिपकने का कैपेसिटी 100% है। तो अभी आप डिले बिल्कुल मत करना, यहाँ पे ब्रेक बिल्कुल मत लेना। तो अभी जहाँ पे मिड पॉइंट आया है वहाँ पे हम लोग पहले चिपकाएंगे ऊपर की तरफ, ऑलमोस्ट जितना ऊपर कर सके उतना ऊपर। तो हमारा तो बस 2 इंच का ही गैप है ऊपर की तरफ, तो मैंने चिपका दिया। और जब साइड्स में है 1 इंच नीचे करते हुए चिपकाना है। आपको क्लियरली मैं दिखाती हूँ वीडियो में,
राइट एंड लेफ्ट, पहले लेफ्ट वाला कर रही हूँ मैं, ऐसे धीरे धीरे ना डिक्लाइन करते हुए आना है, बस चिपक गया। और नेक्स्ट साइड भी ऐसे ही करना है, चिपकाने के बाद ना थोड़ा उस पर रब कीजिए और थोड़ा सा ना स्ट्रांगली चिपकाना, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू। ये जो कर्टन है वुडन और एल्यूमिनियम सरफेसेस पे बहुत ही अच्छा चिपकेगा, और साइड्स में तो बहुत ही ईजी है, बस स्ट्रेट, और नीचे कुछ चिपकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग फ्लोर लेंथ का मेजरमेंट लिया है, तो नीचे ऑब्वियसली ओपन रहेगा क्योंकि ये कर्टन है और बार बार हम निकालते रहेंगे। पर बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट आया था कि फ्लोर और कर्टन के बीच में गैप है क्या बोल के मुझे पूछ रहे थे, ये वीडियो तेलुगु चैनल में भी आया था। तो कर्टन और फ्लोर के बीच में कुछ भी गैप नहीं आया था क्योंकि मैंने मेजरमेंट्स बहुत सही तरीके से लिए थे। तो ये कर्टन निकालते ही ना फिर से चिपक जाते हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूंगी, और बहुत ही अच्छा था, मेरे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड इसका क्वालिटी है। तो अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ, कहीं से भी नहीं निकला और बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। मैंने सोचा कि 800 में ओके ठीक है चलेगा, पर रियली 800 से भी बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स मिले मुझे। तो साइड्स में मैंने अच्छे से चिपका दिया। और इसके बाद ना एक और स्टेप है, यहाँ पे अगर आप चाहे तो पुश पिंस लगा सकते हो अगर आपको और भी स्ट्रेंथ चाहिए। मैंने नहीं लगाया क्योंकि आई डोंट वांट टू पुट एनी मोर नेल्स, बट अगर आपको चाहिए तो लगा सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं लगाया फिर भी नहीं निकला, ये अच्छे से चल रहा है, तो इसीलिए मैं बता रही थी कि ये वाले ना ऑप्शनल है, अगर चाहे तो लगा सकते हो, नहीं तो बस छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर आपको लगाना है तो ऊपर से नहीं लगाना है, ये वाला पार्ट निकाल के अंदर वाला जो स्ट्रिप है वहां पे लगाना है। बस मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहां पे दिखा रही हूं, पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया फिर भी वो स्ट्रांग था। अगर आपको लग रहा है कि आपने ठीक से स्टिक नहीं किया या कुछ तो प्रॉब्लम आया, सरफेस ठीक नहीं है, कुछ भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तब आप नेल्स लगा सकते हो। ये वाला देखो मैं अब आपको दिखा दूंगी, साइड्स में तो टाइट है, बीच में जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आएंगे, इस वजह से जैसे ही कर्टन क्लोज होगा वो वाले क्लोज हो जाएंगे। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो गाइस, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।